जय हिंद एवरीवन आप सबका ओ टू आई अकेडमी के एच सी चैनल पर स्वागत है अभी तक हमने अपने इंडियन पॉलिटी के टेन सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने रिस्पेक्टिवली ऑलमोस्ट अराउंड 150 क्वेश्चन डिस्कस करे ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स एंड इवन द करंट अफेयर्स आल्सो अब नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा दैट विल बी ऑफ द जोग्राफी अब हम जोग्राफी के सेशंस लेंगे ऑलमोस्ट टेन सेशंस जोग्रफी के होंगे जिसमें आपको जोग्रफ़ी के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से हर रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करवाए जाएंगे आई होप आप सबको पॉलिटी वाला जो सेक्शन अभी तक हुआ है वो बहुत यूजफुल हो रहा होगा एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द जोग्रफी वन एंड अगर अभी तक भी आपने ओ टू आई एस एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आज ही आप ओ टू आई एस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए सो डैट आप हमारे टेस्ट सीरीज रिविजन कोर्स और स्टडी मटेरियल जो भी हमारा मटेरियल वहाँ पर पड़ा है या फिर जो हमारे लेक्चर्स की पी फाइल वहां पर पड़ी है वो उसको आप आराम से अवेल कर सको सो लेट्स गेट स्टार्टेड जोग्राफी सेशन क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइनर प्लेट्स एंड देयर लोकेशंस आप सबने जोग्राफी में सबसे पहले कॉन्टिनेंट बिल्डिंग जब करी होगी तो उसमें आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी आपने एंड उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ मेजर प्लेट्स हैं हमारे पास एंड कुछ माइनर प्लेट्स हैं सो इट इज़ माई अनदर सजेशन टू यू कि आप यहाँ पे अभी ही जब भी आप जोग्राफी को रिवाइज करना स्टार्ट करें इंडियन जोग्रफी को या वर्ल्ड जोग्राफी को स्टार्ट कीजिए तो आपके साथ में एटलस जरूर हो बिकॉज एटलस से आप ऑलमोस्ट तीन से चार क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं डन सो so, यहां पर प्लेट्स के बारे में पूछा गया है नास्का प्लेट ओके बिटवीन द फिलिपाइन एंड इंडियन प्लेट नंबर टू फिलिपाइन प्लेट बिटवीन द एशियाटिक एंड द पैसिफिक प्लेट कैरोलिन प्लेट बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट अब लोकेशन पूछी गई है अब इस क्वेश्चन को क्वाइट ऑबियस है जब तक आप एटलस को नहीं देखेंगे ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो सकता और ना ही आप इस चीज को याद कर सके फॉर द लॉन्ग टर्म तो एक लास्ट में जाके एक मैप है स्कूल एटलेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें सारे सारी सारी प्लेट्स और उनकी लोकेशन दे रखी है थर्ड ऑप्शन को यहां पर इंटरचेंज कर दिया है द नास्का प्लेट इज बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड द पैसिफिक वन द केरोलियन प्लेट इज बिटवीन द फिलिपाइंस एंड द इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट का कौन से वाला इलाका वो है न्यू तो यहां पर आपको इंटरचेंज कर दिया गया है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एंड सेकेंड इज द राइट वन बिटवीन द एशियटिक एंड द पेसिफिक प्लेट यहां से आपके लिए टॉपिक है दैट इज अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आता है दैट इज द माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज ओके इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फिट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लोज मे बिल्डअप अ वर्ल्ड जब कॉन्टिन्यूअसली हाई रिस्क यहाँ पर लावा निकल रहा है और वो स्प्रेड कर रहा है तो वो धीरे 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 करके क्या बन रहा है एक शील्ड बना रहा है दैट इज अ शील्ड वोल्केनो ठीक है आपने एनसीआर फिजिकल जोग्राफी इलेवेंथ क्लास ठीक है आई होप आप सब उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे ज्योग्राफी के लिए मैं बिल्कुल लास्ट में आपको जाके ये भी बता दूंगा कि कौन सी बुक्स आप अभी रेफर कीजिए फॉर दिस स्पेशली फॉर दिस मंथ ठीक है, जब एक 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 एक, के के ऊपर ऊपर जिसे कहते हैं ना, लेयर बनती गई, shield बन गई बन उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर धारवा रॉक सिस्टम धारवा रॉक सिस्टम के बारे में पूछा यहां इन्होंने दे आर ओल्डेस्ट रॉक्स नॉट एट ऑल आर्किन दे आर द ओल्डेस्ट मेटा मेटाफोर्स रॉक्सियस है नीज शिस्ट उनका एक मेटामॉर्फिस वे है ये एक फॉर्म है उनका सो दे आर द ओल्डेस्ट मेटाफोस्ट रॉक्स दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रॉक्स बिकॉज वहां पर मैंगनीज आयरन और जो बाकी सारे जितने भी हमारे यहाँ पर मिनरल्स हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि इकोनॉमिक जिनका रीजन जहाँ पर उनका इकोनॉमिक यूज है इन द फ्यूचर वो सारे के सारे यहां पर मिलते हैं डेट इज टू एंड थ्री आर द करेक्ट वन धारवार रॉक सिस्टम आपने रॉक सिस्टम पढ़ा होगा ये भी आप इलेवेंथ क्लास के जो फर्स्ट फर्स्ट या ऑलमोस्ट सेकेंड चैप्टर में ये रॉक सिस्टम दे रखा है इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी एच में कई बार देखने को मिल चुके हैं 2011 में भी 2012 में भी ठीक है आईसो हेलिट आर द लाइंस ज्वाइनिंग ठीक है नाम से पता लग रहा है आइसो मीन इक्वल वन दैट इज इक्वल सेलिनेटी

यहाँ पर तो जो हमारे पास वेस्टर्न घाट है वो बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूस है ऑलमोस्ट ईस्टर्न घाट्स में गैप्स हैं थोड़ी थोड़ी करके बीच में गैप्स हैं जवाडी हिल्स पालकोंडा हिल्स नलामला हिल्स अद पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट यहां पर उल्टा लिखा है द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स यहाँ पर आपको ये भी पता हो नीलगिरी जहां पर दोनों के दोनों वेस्टर्न घाट और यहाँ पर ईस्टर्न घाट इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड नीलगिरी हिल्स क्वेश्चन नंबर सेवन Consider the following statements regarding winter solstice. Winter solstice हमारे पर 21st या 22nd December को होगा. That means, Northern Hemisphere में उस दिन सबसे छोटा दिन होगा शॉर्टेस्ट डे होगा एंड सदर्न हेमिस्पीयर में उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा लॉन्गेस्ट डे इज इनके लिए यहाँ पर समर सोलिस्टिस होगा हमारे लिए

सदर्न हैमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन होगा 21 दिसंबर को और नदन हेमिस्फेयर में हमारे यहां पर सबसे छोटा दिन होगा डन अभी पूछा है इट इज अ डे व्हेन द नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल इज मोर स्टिल अवे फ्रॉम द सन क्वाइट ऑब्वियसली इसलिए लीस्ट नंबर ऑफ ये सनलाइट को यहां पर देगा इसलिए हमारे यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है

अब आपके लिए ये थोड़ा सा होमवर्क है एट डिग्री नाइन डिग्री टेन डिग्री इलेवन डिग्री टेन डिग्री मैंने आपको करा दिया एट नाइन आपको ये सर्च करना है और इलेवन कि ये किस किस चीज को यहाँ पर सेपरेट करते हैं हेयर द डिग्री स्टैंड फॉर द लैटीट्यूड ओके एन एरिया ड्रेनड बाय अ रिवर एंड इस ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन ड्रेनेज बेसिन जैसे आपका वॉश बेसिन होता है पानी हुआ सारा सारा बीच में आकर इकट्ठा हो गया के बीच में आके पानी हो गया दैट इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन सो इन द इन दिस लैंग्वेज वो मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बताया व्हेन द रिवर इज नाउ जॉइंड बाय द ट्रिब्यूटरीज दिस फॉर्म्स अ वन ड्रेनेज बेसिन डन रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स अमरकंटक हिल्स फॉलोज पैटर्न ओके द माउंटेन द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन अदर इज कॉल्ड वॉटर शेड एक्जेक्टली एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे से जो बीच में यहां पर सेपरेट कर रहा है, that is called a watershed. But जो है वो ट्रिलिस्ट ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो नहीं करता है मैंने जैसे कि अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया ट्रिलिस्ट ड्रेनेज पैटर्न होते हैं कि वेन द रिवर इज ज्वाइन बाई द ट्रीब्यूटी एट अ राइट एंगल एंड द हार्ड एंड द सॉफ्ट रॉक एक्जिस्ट पैरल टू द इच अदर वो हमें देखने को मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के अराउंड सिंग बुम प्लेट्यू के वहां पर एंड पर हमें अमरकंटक प्लेट अमरकंटक हिल्स में ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिलता है डन सो हेयर वन एंड थ्री आर द करेक्ट स्टेटमेंट सो ये आज के हमारे कुछ दस क्वेश्चन थे जोग्राफी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से फॉर दिस पर्टिकुलरली फॉर दिस जून मंथ आई विल सजेस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप इलेवेंथ क्लास की और ट्वेल्थ क्लास की एंड वन इज नाइन्थ क्लास ये तीनों एनसीआर को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए बिकॉज आपको मैक्सिमम इस बार भी जो जोग्राफी जो के क्वेश्चन आए थे सेप्टेम्बर में जब लास्ट प्रॉब्लम हुआ था तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं एनसीआरटी से मिलेंगे स्पेसिफिकली फ्रॉम द नाइन्थ क्लास वन नाइन्थ क्लास इलेवेंथ एंड द ट्वेल्थ क्लास इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए प्लस जो भी हमारे सेशन्स चल रहे हैं ओ टू एकेडमी के उनको आप कॉन्टिन्यूसली अप करते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को चेक करने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज को आज ही लीजिए सो डैट आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टू सेशन जय हिंद टू ऑल